तो अपने कुछ सब्सक्राइबर भाई मेरे को ना काफी मैसेज कर रहे थे और मेरे को ये कह रहे थे भैया हम ना यूट्यूब कम चलाते हैं फेसबुक ज्यादा चलाते हैं, तो आप ना फेसबुक पर भी व्लॉग्स अपलोड किया करो। तो मैंने फेसबुक के पेज बना लिया है, ये भाई मेरा फेसबुक का पेज, आप जाके फॉलो कर सकते हो, जस्ट अभी न्यू बनाया है, 31 फॉलोवर हैं, जाके फॉलो करो ठीक है, और ये नाम है, फटाफट जाके फॉलो करो। तो आप लोग करो फटाफट से ये व्लॉग एंजॉय। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो भाई लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा हम लोग आए माता वैष्णो देवी के, और भी टाइम हो रहा है सुबह के 10, तुम्हारे भाई हो गए नादों के तैयार, बाकी सब अभी सो रहे हैं। देखो जयंत, सागर, दिनेश, छोटू तो उठ गया, छोटू जा रहा फटाफट नहाने के लिए, तो फटाफट से सब नहा धो के फ्रेश हो गए, होते हैं तैयार, फिर जाएंगे ब्रेकफास्ट करने, फिर करेंगे माता वैष्णो देवी की चढ़ाई। तो भाई ब्रेकफास्ट में हमने मंगाया आलू के परांठे, साथ में छोले, अचार, मैगी और 3 चाय। आगे अपनी चाय तो भगवान कसम बहुत ज्यादा बकवास है, थूक दूस के अंदर में, ये पानी के अंदर पत्ते ला के दे रखी है। चलो भाई नाश्ता पानी हो गया, अब कर रहे हैं यहाँ से चेकआउट। चलो भाई बैग वगैरह रख दिया गाड़ी में, गाड़ी यहीं रहेगी पार्किंग में, हम लोग जा रहे हैं चढ़ाई करने के लिए। चलो भाई बैग वगैरह रख दिया गाड़ी में, अब जा रहे हैं यहाँ से वो यात्री पास, जो भी पास होता है ना वो बनवाने के लिए, वो जरूरी है और फ्री बनता है। जो भी यहाँ पे आए ना भाई सब अपने आधार कार्ड लेके आना, क्योंकि यात्री पास जो है ना वो आधार कार्ड देख के बनता है। तो भाई देखो ये रहा पहाड़, यहाँ पे होगी हमारी चढ़ाई, ये रास्ता दिख रहा है ना आपको, देखो ये रहा, ये पूरा शेड वाला है अंदर। तो चलो चलते हैं भाई। तो ये है यहाँ की मार्केट, देखो भाई यहाँ पे ना काफी सारा सामान मिल रहा है, ये देखो काफी पूजा वगैरह का, ज्वेलरी का, खाने पीने का, एक यहाँ पे टूर एंड ट्रेवल्स का, यहाँ पे सबका सामान मिल रहा है, लेकिन ज्यादातर वो है पूजा से रिलेटेड। और यहाँ पे ड्राई फ्रूट वगैरह मिल रहे हैं, देखो ये दिख रहे हैं, ये देखो। लो भाई आ गए 2 नंबर काउंटर पे, अब ये रहा सामने, यहाँ से बनेगा पास। देखा देखा देखा, लो भाई बन गया। तो भाई बन गया अपना यात्री पास, आधार कार्ड चाहिए होता है उसके लिए ठीक है, और इस तरीके कुछ दिखता, देख लो भाई ये रहा ऐसे है, एक आधार कार्ड से एक एंट्री होगी, हर बंदे का एक एक चाहिए। भाई देखो इस तरीके से दिखता है कुछ यात्री पास, ये देखो प्लास्टिक का कार्ड है, और यात्री पास के भाई कोई भी पैसे नहीं है, ये फ्री बनता है, सिर्फ आधार कार्ड दिखाओ और यात्री पास ले लो। तो अभी मैंने एक एक फ्रिज मैग्नेट लिया है माता वैष्णो देवी का। तो ये अभी जयंत ने ना ये लोअर खरीदा, इसको लोअर नहीं था भाई, सबकी हालत टाइट हो रही है अभी, यही लोकल में थोड़ी सी चढ़ाई कर ली, उसमें सबके पैर दुख रहे हैं, और सामने यहाँ चढ़ना है हमें ऊपर, देखना कितनी ऊंचाई है ऊपर, देखो ओ भाई। भाई मैंने ये डंडा भी ले लिया 20 रुपए का, चढ़ाई में काम आएगा। अपन ऐसा करेंगे भाई, 5 लड़के हैं, 5 लड़के हैं, जो थक गया ज्यादा पहले वो डंडा लेके चला जाएगा, बाकी फिर तो डंडा छोड़ देगा, जिसको ज्यादा जरूरत होगी ना ऐसे पकड़ाते हो जाएंगे, 5 जने एक डंडा लेके चलेंगे। तो भाई देखो यहाँ पे सबने ना अपने माता के जो सर पे पहनते हैं ना उस धागा, वो यहाँ पे टांग दिया है, सब अपनी चढ़ाई करने के बाद ना सब यहाँ पे टांग जाते हैं पूरी ही, देखो कितनी सारी, देखो आगे तक लगा रखी, देखना। तो भाई अपनी चढ़ाई हो चुकी है चालू, यहाँ से इसका रास्ता है, अब धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको दिखाते जाएंगे, बाकी ये है यहाँ पे, यहाँ ऊपर चढ़ना है भाई, वो जा रहा है हेलीकॉप्टर, ये दिख रहा है, जिसको भी भाई हेलीकॉप्टर साइड करनी हो ना उस वो कर सकता है, लेकिन उसके लगेंगे 4500। मेरे को ऐसे होटल वाले ने जब पूछा था ना मैंने, तो होटल वाले ने मेरे को ऐसा बताया था कि 4500, लेकिन करेक्ट ऐसे अमाउंट नहीं पता है कि करेक्ट वो सही बता रहा है नहीं पता, बस जो उसने बताया वो मैं आपको बता रहा हूँ, पर बंदा 4500 आना जाना। तो भाई छोटू ने 2 डंडे और ले लिए, एक खुद के लिए और एक जयंत के लिए, तो अपने पास टोटल हो गए भाई 3 डंडे। तो भाई अभी चेकिंग की लाइन में खड़े हैं और यहाँ पे होगी चेकिंग, पहले चेकिंग होगी फिर उसके बाद ऊपर जाएंगे। चलो भाई चेकिंग वगैरह हो गई है, अब हमने अपनी चढ़ाई चालू कर दी है, बाकी अपने एक भाई मिले हैं दिव्यांशु भाई, भाई से भी सब्सक्राइब करा दिया चैनल, और भाई अकेले आए थे तो अपने ग्रुप में शामिल कर लिया भाई को ठीक है, अब चढ़ाई कर रहे हैं भाई 12-13 किलोमीटर की, नहीं 14 किलोमीटर की चढ़ाई बताई थी, टोटल हो गई 28 किलोमीटर आना जाना। और थोड़ा सा ऊपर चढ़ने के बाद ना भाई आपको यहाँ पे ना काउंटर दिख जाएगा पालकी और पिट्ठू बुक करने के लिए, जैसे लोग जा रहे हैं ना ऐसे ये सब बुक करने के लिए, यहाँ से आप लोग पता कर सकते हो। भाई अब थोड़ी तीखी चढ़ाई चालू हो गई है, इससे पहले भी जो चढ़ रहे थे ना, जो मैंने काउंटर दिखाया था वहाँ तो नॉर्मल थी, अभी जब धीरे धीरे करके ना तीखी होती जा रही है भाई, अब पता नहीं आगे जाके क्या होगा, आगे कितनी ज्यादा तीखी होगी या फिर नॉर्मल हो जाएगी। अंदर भाई बहुत सारी दुकानें देखो, काफी सारे मंदिर भी हैं, खाने पीने की दुकानें भी है, ड्राई फ्रूट वगैरह की दुकानें भी है, और पूजा पाठ का जो सामान लेना है वो भी मिल सकता है यहाँ पे, काफी कुछ अंदर भी था और इसके बाहर भी है। तो भाई अभी थक चुके हैं सारे,
कोई कुछ बैठे हुए हैं, कुछ खड़े होकर आराम कर रहे हैं। अभी थोड़ा सा आराम कर ले, सांस वांस ले ले, फिर वापस चढ़ेंगे ऊपर। अभी दूसरा ब्रेक लिया हमने, थोड़ा थोड़ा चढ़ रहे हैं फिर बैठ रहे हैं। लेकिन भाई एक बंदे की दाद देनी पड़ेगी छोटू की, ये भाई बैग लेके चढ़ रहा है बंदा, देखना भाई बैग नहीं है ना तुम्हारे पास है ना ओ भाई एक बंदा और अपने दिव्यांशु भाई, भाई तीसरी बार चढ़ रहे ना भाई अभी, भाई आपके लिए भी, ओए भाई के लिए सब ताली बजाओ फटाफट, शाबाश बहुत बढ़िया शेर। और भाई भाई बैग लेके चल रहे थे, देखो भाई बैग के साथ पानी की बोतल भी, ओए ओए शेर जग गया, शेर जग गया, चलो आओ चलो भाई। भाई धीरे धीरे करके ना चढ़ाई भाई बहुत ज्यादा तीखी होती जा रही है, काफ में दर्द हो रहा है। और हमने चौथा ब्रेक लिया है, यहाँ पे तीन शेर, चौथा और पांचवा, और एक अकेला शेर दिनेश ऊपर चला गया। तो भाई अभी हम आ गए हैं बाथिंग घाट पे, तो यहाँ पे भाई झरने का पानी आता है, तो यहाँ पे आप नहा के जा सकते हो सीधा ऊपर दर्शन करने के लिए। हम सब नहा के आए हैं, हम तो नहीं जाएंगे, बस आप लोगों को ना एक बार व्यू दिखाते हैं जाके कि कैसा है, फिर ऊपर चलेंगे। एक बार भीड़ चेक करो भाई, देखना कितने सारे लोग हैं, ये देखो बाप रे, ओहो सभी आ गए आज तो बाथिंग घाट पे। और भाई कहाँ से कहाँ तक भीड़ है, तो सारे लोग जमा पड़े हैं। तो भाई ये है कुछ, ये देखो यहाँ पे नहा रहे हैं सारे के सारे। तो भाई कभी एक लेमन सोडा मंगाया है, टेस्ट कर, बता कैसा लगा कैसा है, बढ़िया। चलो भाई एक ही ग्लास से छह शेर निपटा लेंगे थोड़ा थोड़ा करके एनर्जी आ ही जाएगी सब में। चलो भाई पी लिया शिकंजी, अब चलते हैं वापस ऊपर। हम ना थोड़ा थोड़ा ऐसे थोड़ा थोड़ा चढ़ते हैं कुछ कुछ किलोमीटर, और फिर वापस से ब्रेक ले लेते हैं, तो सही है, थकावट नहीं होती। भाई दुकान वालों ने सही बिजनेस खोल रखा है यहाँ पे, यहाँ पे यहाँ पैर मसाज करने वाली मशीन नहीं होती, तो भाई ये तक लगा रही यहाँ पे, बोलो सही कमाई भाई लोगों की। बस को देखना छोटू को, तो कार को तो पंखे के यहाँ पे सही हवा खा रहा है भाई, बहुत तेज आदमी है भाई ये। भाई एक और ब्रेक लिया हमने, और भाई धीरे धीरे करते भाई चढ़ाई तो ऐसे तीखी हो रही है, समझ नहीं आ रहा। जब जैसे वो फिल्म नहीं थी बादशाह वाली, जो शाहरुख खान के पास वो दीवार में चिपकने वाले जूते थे, वैसे एक जूते यहाँ चढ़ने के लिए भी होने चाहिए, जो पैर बनाओ सर गाते रहे। तो भाई जल्दी पहुँच जाते ऊपर, थक चुके भाई। देखो ये देखो दिख रही है, ये रही पैर मसाज करने वाली मशीन, सही जगह पे सही मशीन लगा रखी है भाई। यहाँ पे भाई केमिस्ट्री शॉप भी है, हर थोड़े थोड़े किलोमीटर पे ना, हर थोड़े थोड़े मीटर पे ये पानी का ये लगा रखा है। बाकी भाई पानी की कोई दिक्कत नहीं, चढ़ते रहो पानी बोतल भरते रहो और पीते रहो। और यहाँ पे सारी सारी दुकान वालों ने ना बैठने के लिए बना के रखा है, जो थक जाए थोड़ी देर बैठ जाओ और फिर उसके बाद वापस चलने लग जाओ। तो अभी मैं और दीपांशु भाई काफ़ी ऊपर आ चुके हैं, बाकी जयंत और क्या नाम है सागर वो नीचे है, और पता नहीं दिनेश ऊपर है ना, दिनेश मेरे ख्याल से ऊपर चला गया, सबसे ऊपर दिनेश है अभी। छोटू और दिनेश ये दोनों आगे चल रहे हैं अभी, उससे पीछे हम चल रहे हैं मैं और दीपांशु भाई, और नीचे फिर हो गया सागर और जयंत। दीपांशु भाई और मैंने भाई लिए हैं कुछ फ्रूट्स, ये मिक्स फ्रूट है और दूसरा है पाइनएप्पल, थोड़ी एनर्जी आ जाएगी भाई। भाई कई रास्ते में ना सीढ़ियाँ भी आ रही, जैसे मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, ये आ रही ना सीढ़ियाँ, ये शॉर्टकट है इसको आधा पार करने का, लेकिन मैं और दीपांशु भाई हमें से कोई भी शॉर्टकट नहीं ले रहा भाई, ठीक है, माता गुस्सा नहीं होनी चाहिए तो हम लोग पूरी चढ़ाई कर रहे हैं, कोई भी शॉर्टकट नहीं ले रहे भाई। 4 किलोमीटर चढ़ाई कर ली हमने, दीवार पे यहाँ लिखा हुआ था, तो दीपांशु भाई ने बताया कि 4 किलोमीटर हो गया, आज पता चला कि भाई ना 4 किलोमीटर कितना ज़्यादा होता है, घर से अभी निकलते हैं ना स्कूटी लेके तो 5 मिनट पहुंच जाते हैं, आज पता चला कितने घंटे लगे 4 किलोमीटर में। भाई सबसे आगे हम ही चल रहे थे, मैं और दीपांशु भाई, बाकी दिनेश पीछे था, अभी यहाँ रुके हुए पीछे अम्बालिका पे, दिनेश को फोटो भेज दिया, वो है नीचे 2 किलोमीटर दूर, अब इंतजार कर रहे हैं उसका। आ गए भाई आ गए, कहाँ रह गए थे तुम सारे, भाई सबसे आगे हम चल रहे हैं, ये सारे सारे पीछे रह गए भाई, भाई ऐसे चलो शेरों की तरह, शेर चल रहे हैं समझे। अरे भाई ये दोनों ढीले हैं यार, भाई बहुत ऊपर आ गया, मैं देखना कम से कम 5 किलोमीटर ऊपर चढ़ गए, और ये है 5 किलोमीटर ऊपर के नज़ारे, है ना भाई, सुंदर लग रहा भाई। 5 किलोमीटर की चढ़ाई हो गई, और ये है 275 मीटर, ऐसे ना कर करके ना 1000 मीटर पे एक एक किलोमीटर बढ़ता जा रहा है, जैसे ये 275 लिखा ना ये 1000 हो जाएगा, फिर 6 किलोमीटर चढ़ जाएगा। यहाँ तो ऊपर यार मैकडोनल्ड भी आ गया, और यहाँ पे सामने बीकानेर वाला भी आ गया भाई। मंदिर भाई ये है अर्धकुमारी मंदिर, और यहाँ पे ऐसा बताया जाता है कि यहाँ ना माता 9 दिन रुकी थी, ये देखो इस तरीके का मंदिर है, और एक बड़ी भीड़ चेक करो, देखो ये देख रहे हो ये सब लोग है भाई, अभी जाएंगे, इन सबके अभी टोकन लगा हुआ है, यहाँ पे टोकन सिस्टम है, सब अभी इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे, ये देखो सब बैठे हैं पीछे तक, और यहाँ पे है ना ये पीछे यहाँ धर्मशाला, यहाँ भी रुक सकते हैं।
तो भाई अभी जो ग्रुप चल रहा है वो चल रहा है 445 और यहाँ टोकन सिस्टम है, ग्रुप के हिसाब से लोग अंदर जाएंगे। ये भाई अपनी पर्ची, अपना नंबर है 656, एक दो घंटे में नंबर आ जाएगा, अभी वेट करेंगे यहाँ पे। और भाई अंदर अधुकुमारी के मंदिर में ना वीडियो नहीं बना सकते, अलाउड नहीं है, तो यहाँ पे लॉकर है, यहाँ पे बैग वगैरह फोन वगैरह सब जमा होगा। तो भाई अभी आया एक दुकान में, हमने ऑर्डर करी है 4 छोले भटूरे की प्लेट, भूख लग रही थी, पहले छोले भटूरे खाएंगे फिर उसको दर्शन करने जाएंगे। लो भाई आ गए अपने छोले भटूरे, लाओ भाई लियाओ छोले भटूरे। अरे दाल रोटी है, ये पूड़ी है, छोले भटूरे हैं छोटू, पूड़ी से लग रही है, पूड़ी है यार तो। अबे एक ऊपर हो गया भाई, छोले भटूरे के नाम पे अंदर छोले पूड़ी खिला रहा था, इतने बकवास बकवास एकदम खाना बेकार। भाई जो हमारी पर्ची थी ना जिसमें बता रहा था मैं एक दो घंटे में नंबर आएगा, लेकिन वो ना बताऊं किसकी थी, दिनेश बताइयो ये किसी से पार करके ले गया था पर्ची, दोस्त की थी मेरे। अच्छा हाँ, इसके दोस्त की थी, उन्होंने दर्शन करे नहीं तो इसने मेरे को दी थी, बट उन्होंने वापिस ले ली, उन लोगों ने दर्शन नहीं करे तो उसको पर्ची दे दी। और अब हमने उसमें ये लिखा रहा था कि उसमें कितना, एक जना, तो हमने उसको पार करने की कोशिश कर रहे थे कि उसमें नंबर थोड़ा बदल के अपन 6 घुस जाते, लेकिन भाई पुलिस वाला ज्यादा चलाक निकला, बहुत दिमागदार था वो, इससे ना पर्ची छीन ली कह रहा बगैर से मेरे को पता तू चीज छीन के ले गया अब भाई हमारा जो है ना नंबर अब कितना चल रहा है, अभी चल रहा है 470 और अभी अंदर मेरे ख्याल से 480 का, 600 की भी दिलाए थे तुम। हाँ 600 वाली कहाँ गई अपनी, वो उसकी तो थी 600 वाली जो। अच्छा मेरी दोस्त की, अच्छा वो 600 वाली उसकी थी। अब ना भाई हम ना पर्ची बनवा के आ रहे हैं, सबके सब इंडिविजुअल, सब में अलग अलग नंबर आएगा, तो अभी पर्ची के लिए थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, और अगर नंबर पास आ गया तो चले जाएंगे, नहीं तो अभी ऊपर जा रहे हैं दर्शन करके आएंगे, फिर जाएंगे ऊपर भैरव बाबा के, फिर उतरते वक्त यहाँ पे अंदर चले जाएंगे। लो भाई ये मिल गई पर्ची, 109 नंबर अपना। चलो भाई चल रहे हम ऊपर, अभी जा रहे हैं माता वैष्णो देवी के, और किलोमीटर है 7 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और उसके बाद जाएंगे ऊपर भैरव बाबा के। श्री श्री बच्चों के लिए अलाउड है ये, अच्छा। अरे भाई शरीर से बड़ा है बस ये सागर भाई को थक गया, अब ये कह रहे हैं सागर भाई कि मैं इसमें बैठूंगा, लेकिन भैया कह रहे हैं कि ना सिर्फ बच्चों को बिठाएंगे। क्या रेट है इसका, 540 आगे भेज रहे भैया, मद्दी बिठा के ले चलो आप इसको, टाइम हो रहा अभी 7, और देखो अभी तक चढ़ रहे हम, हालत खराब हो गई भाई सच में, पैरों में दर्द हो रहा है। हम सोच रहे थे कि हम जवान है भाई, जवान तो है, लेकिन ना चढ़ नहीं पा रहे, पता नहीं क्या हो रहा है, यहाँ के बूढ़े हो गए, रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा, पता नहीं समझ नहीं आ रहा, बूढ़ा बोलता हूँ हम 1 बजे चले थे और अब 7 बज रहे, आप देखो इतने घंटे लगा लो, कितने अभी कहाँ पहुंच गए हम, निकलते भी 4-5 किलोमीटर हो रहा है शायद, ऐसा कुछ है, 2 किलोमीटर लिखा हुआ ना, यहाँ लिखा हुआ है, चलो भाई सिर्फ 2 किलोमीटर रह गए, लेकिन भाई शॉर्ट हो गए भाई, सिर्फ नहीं चल पा रहे ऊपर। ये देखो अभी यहाँ चढ़ना है, देखो यहाँ से यहाँ तक सीधी चढ़ाई ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ भी जाना ऊपर भैरव बाबा के, देखो ये रहा ऊपर बिल्कुल ऊपर चोटी पे देखो, अरे भाई। तो भाई हम 3 सबसे ऊपर पहुँच चुके हैं, बस यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर रह गया, सिर्फ 1 किलोमीटर बस, अभी हम सिर्फ 3 ही पहुँचे सबसे ऊपर, बाकी के 3 अभी नीचे हैं। सजावट देखना भाई क्या मस्त हो रखी है, देखो है ना ये ऊपर बैम्बू से सजा रखा है, और यहाँ पे कुछ शीट से लगी हुई उतनी है ना, हाँ कोई शीट सी है, मस्त लग रहा भाई देखना। भाई ठंड पड़ गई है भाई बहुत ज्यादा, मैंने तो जैकेट निकाल ली अपनी, छोटू को ठंड नहीं लग रही, छोटू हॉट है ना अपना, बिना के लॉकर देखते कि दिवांशु भाई का ना बैग रखना उसके अंदर, अपना भी, अच्छा तेरा भी, अरे हाँ अपना भी है, हमारा भी है, हमारा बैग भी रखेंगे, बस सजावट तो मस्त हो रखी है देखो देखना। ओ भाई तो भाई ये ना भेंट ले लिया, इसके अंदर नारियल है और काफी ज्यादा प्रसाद है, इसको अंदर माता जी के चरणों में चढ़ा के घर ले जाएंगे। सजावट कैसे मस्त हो रही है ना, बड़े बढ़िया, चले चले छोटू भाई, चलो भैया लाइन पे लगो इधर, अरे यार लाइन, अरे भाई दर्शन की लाइन है ये, तो आगे क्या फिर सामने, सुबह 2-3 बजे दर्शन होने हैं हमारे भाई, ये तो ये लाइन लग रही है देखना, ये लाइन देखो भाई, देखो और भाई कहाँ से कहाँ तक है देखना, अभी नंबर कब आएगा फिर तो।
भाई यहाँ चल रहा है फोटो सेशन, और देखो ये अपने पीछे मंदिर भाई, पूरे 8.5 घंटे के बाद अब पहुंचे हम। क्या सुंदर डेकोरेशन हो रखी है भाई, मजा आ गया देख के सही में। देखना कितनी सारी, ओहो हनुमान जी बैठे हुए हैं, ऐसा सब भगवान जी की लगा रखी है, जगन्नाथ जी बैठे हैं। अच्छा लग रहा भाई, काफी अच्छी डेकोरेशन है, देखना स्पेशली नवरात्र के लिए सजा रखी है ये वाली। तो भाई अभी जा रहे हैं लॉकर में ये सब सामान डालने के लिए, प्रसाद हमारे हाथ में रहेगा, बाकी फोन और जो हमारा बैग है ना ये लॉकर में जमा कर देंगे। A few moments later. चलो भाई हो गए दर्शन, प्रसाद भी ले लिया है, मस्त हुए दर्शन, बढ़िया। तो यहाँ से हम सब जा रहे हैं अभी भैरव बाबा के। तो भाई टाइम हो रहा है 12 बज गए, और ना पैरों में इतना दर्द हो रहा है भाई कि एक्सप्लेन नहीं कर सकता भाई तुम्हें, इतने ज्यादा दर्द हो रहा है तलवों में। अब यहाँ से भैरव बाबा मंदिर, ये दिनेश बता रहे कि 4 किलोमीटर है, इसके हिसाब से चल रहे भाई। भाई पहले ना हम ये सोच रहे थे कि भैरव बाबा जी के ना हम जाएंगे रोपवे से, लेकिन ना रोपवे ना शाम को 6 बजे बंद हो जाता है, तो अब भैरव बाबा जी के भी भाई चढ़ के जाना पड़ेगा, इतनी थकावट में इतना दर्द हो रहा पैर में, लेकिन चढ़ के जाना पड़ेगा, आज ही करेंगे पूरा। तो भाई अभी आए हम लोग डोमिनोज में, और 2 पिज्ज़ा ऑर्डर कर रहे हैं और 1 कोक, अभी थोड़ा बहुत खाएंगे थोड़ा एनर्जी आ जाएगी ना, फिर उसके बाद चढ़ेंगे भैरव बाबा। तो ये आ गया अपना 1 पिज्ज़ा 1 कोक और अपना। भाई भैरव बाबा का मंदिर सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है यहाँ से। यहाँ की चढ़ाई भाई बहुत ज्यादा तीखी है, सबसे खतरनाक चढ़ाई यहीं की है, बिल्कुल एकदम सीधे हो गई जो नीचे की जमीन है ना, बिल्कुल सीधी हो गई। तो भाई अभी टाइमर है रात के 1 और अभी हम चढ़ाई कर रहे हैं, अब देखते हैं भाई कितनी देर में ऊपर चढ़ेंगे और वापस नीचे कितनी देर में उतरेंगे, क्योंकि अब जब नीचे उतरेंगे ना भाई उस टाइम हम रेस्ट करेंगे काफ़ी घंटे तक, फिर उसके अगर टाइम नहीं उसके अगले दिन फिर हम घर निकलेंगे। अब ये देखो ये है वो रास्ता, अब तुम्हें ना वीडियो में बिल्कुल ना नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन भाई इसका अंदाजा तुम्हें बताता हूँ, देखो सीधा कैसे है ये, ये देखो ये इस तरीके से है, देखो देख रहे हो, ये लोगों का चेहरा भी पूरा नहीं आ रहा इतना ऊपर खड़ी चढ़ाई है इसकी, ऐसा तुम्हें भाई ने एक एग्जांपल बता दिया इतनी खड़ी चढ़ाई है। तो भाई अभी चढ़ रहे हैं सीढ़ियाँ, ये भाई बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, बिल्कुल सीधी प्लेन रास्ता बंद हो गया, सीढ़ियों से जगह जा रहे हैं भाई। भी टाइम हो रहा रात के 1:25 और सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के भाई परेशान हो गए, कहाँ गए दिनेश ये रहा। अभी अपन तीनों ना, हम तीन सबसे ऊपर चल रहे हैं, और अभी हमारे सामने सीढ़ी एक और है, ये है 107 सीढ़ी, अब यहाँ भी चढ़ना पड़ेगा। देखो भाई ये है सीढ़ियाँ, ये है 107 सीढ़ियाँ, देखो कहाँ जा रही ऊपर, ये देखो भाई हालत ख़राब हो गई, पहले 170 सीढ़ी चढ़े, फिर कितना था 75 कितना था कुछ ऐसा ही था 75 सीढ़ी चढ़े, अब 62 सीढ़ी चढ़ रहे हैं, अब इसके ऊपर एक और है भाई, धीरे धीरे करके ना ऐसा हौसला बढ़ा रहे, लेकिन भाई अंदर से टूट रहे हम पता नहीं क्यों, धीरे करके नंबर कम करते जा रहे हैं, लेकिन सीढ़ी ख़त्म नहीं हो रही भाई, नीचे भाई नंबर ना गलत लिख रखा सीढ़ियों का, इधर 62 सीढ़ी नहीं है भाई, 262 है, दम घुट गया भाई, क्या करें भाई, किस में ताकत रह गई, चल रहा क्या कोई, दीपांशु भाई तो सो गया भाई, ताकत रह गई शरीर में नहीं रही, खत्म हो गए भाई पैर ना भाई, नीचे तल्ले होते ना पैर के टूट गए भाई, सच में मुड़ नहीं रहा पैर, खत्म हो गया, कोई उठाने वाला चाहिए पहला रोपे 6 बजे बंद हो गया, ये क्या तरीका भाई, रोपे तो 24 घंटा चलना चाहिए, और उसकी वजह से हमें ये सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ रही है यार, 100 रुपये में आना जाना होता उससे भाई, ये सीढ़ियाँ भाई साथ नहीं छोड़ रही भाई, देखना यहाँ भी सीढ़ियाँ आ गई, लेकिन अब ना भाई ये लास्ट है, और ये ऊपर भैरव बाबा जी का मंदिर, तो पहले सीढ़ियाँ भाई यहाँ से जाके यहाँ कनेक्ट होगी, फिर ये धीरे धीरे करके ऐसे ऊपर जाएंगे भाई, ये लास्ट है भाई, और तुम्हारा भाई सबसे आगे बाकी सब पीछे रह गए भाई, चप्पल तो भैया ना खुले में उतारने के लिए कह रहे हैं, अब यार सब ने तो यहीं उतार रखी है, या कोई रैक वगैरह कोई नहीं है, तो भाई चप्पल उतार दिया, अब जा रहे हैं अंदर दर्शन करने के। हो गए दर्शन भी, और वीडियो बनाना मना है तो उसने नहीं बनाई अंदर, फटाफट जा रहे हैं चप्पल उठाते अपनी, कहीं देखते कहीं बैठने की जगह, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे फिर नीचे उतरेंगे भाई, वो भी 5 किलोमीटर भाई उतरना, भाई बहुत ख़राब हालत तो हो गई भाई, सबकी सब लेट गए, इधर मैं लेटा हूँ बेंच पे, इधर छोटू लेटा हुआ पीछे, जयंत यहाँ लेटा हुआ है, सब लेट गए भाई, अभी थोड़ी देर आराम लेते हैं तो फिर निकलते भाई, पैर ऐसा सुन हो गए बिल्कुल भाई, भूख लग रही थी भाई बहुत तेज, तो एक सैंडविच ले लिया, खाए तो मैंने 2 थे, भूख लग रही थी, वीडियो नहीं बनाई, एक खा गया, अब एक दूसरा वाला गर्म करा, उधर मैं ठंडा ही खा गया, मैंने भाई जानबूझ के ना इन 5 को
आगे भेज दिया ताकि मैं ये दो सैंडविच निपटा सकूँ। अगर ये पाँच जने होते ना तो मेरे को ये बांटना पड़ जाता, लेकिन अब तुम्हारे भाई ने पेट भर के खाया है तो ये हो गया दिमाग। अब तो बस पैरों की हालत भाई ऐसी हो गई है कि कोई मिल जाए बस पैर दबाने के लिए, और घंटों तक दबाओ उससे इसमें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, चला नहीं जा रहा भाई। अरे यार कोई गोदी उठा के ले चलो भाई, लेकिन अभी कोई है भी नहीं, मैं खुद ही अकेला चल रहा हूँ। अब तो भाई फिलहाल ना चढ़ाई ख़त्म हो गई है, अपना सीधा ढलान या तो आसानी है उतरने में, लेकिन ना दर्द फिर भी हो रहा है पैर में यार, रखा नहीं जा रहा। ये राइट वाला पैर है ना, अब मैं सारा दबाव अपना ना लेफ्ट वाले पैर पे रख रहा हूँ, क्योंकि ये ना ये भाई इससे ना चला ही नहीं जा रहा। अरे भाई कुछ ज़्यादा एक्सट्रीम एडवेंचर हो गया। अरे भाई इतना नहीं करना था यार, हमने सोचा था भाई ये तो कुछ भी नहीं है। मम्मी ने ना मेरे को वो दी थी मूव घर पे, मैंने सोचा मेरा मजाक मम्मी छोड़, मैंने बाबाजी में मम्मी को वापस दे दी, मैं क्या करूँगा मैं इसका यार, शेरों को थोड़े दर्द होता है, लेकिन अब मेरे को पता चल गया भाई गीदड़ हूँ। लेके आनी चाहिए थी भाई, लेके आनी चाहिए थी इसमें यार, गर्म पट्टी और मम्मी ने दी थी, मैंने उठा के फेंक दी बैग में से निकाल के। अब यार अगली बार जब केदारनाथ जाएंगे ना तो सीधा हेलीकॉप्टर ही करूँगा, अब नहीं चढ़ूँगा भाई, केदारनाथ के ट्रैक तो इससे भी ऊपर है। रात के 3 बज रहे भाई और ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि हम तो बिल्कुल पहाड़ के ना चोटी पे बिल्कुल टॉप पे, तो भाई जैकेट बंद कर लिया मैंने और टोपी भी पहन लिया है। टोटल भाई 5 किलोमीटर था उतरने का, 3 किलोमीटर तुम्हारा भाई उतर गया, सिर्फ 2 किलोमीटर रह गया भाई, फटाफट पहुँचते नीचे और आराम करते थोड़ी देर। चलो भाई आ गए सब, चले भाई नीचे चलो भैया। क्या हालत है पैर की? हालत खराब हो गई भैया, अभी तो नीचे जाके वो मशीन लेंगे। पैर कब को बाहर है भाई सबके देखने, पैर यहाँ तो जुड़ी खराब हो गई, झूम गए सारे के सारे पैर। तुम तो बताओ तुम्हारी लेफ्ट टांग गई। मेरी भाई मेरा भाई सिर्फ उल्टा पैर काम कर रहा है, सीधा पैर गया, काटना पड़ेगा भाई। सुबह के 4:30 हो रहे हैं, अभी तक भाई उतराई खत्म ही नहीं हुई हमारी यार, लिखा था ऊपर 5 किलोमीटर, पता नहीं 8 किलोमीटर हो गया, अब पता नहीं और कितना किलोमीटर है यार, खत्म ना हो रहा, बस हमारे पैर खत्म हो गए भाई। अब पहुंचे भाई हम नीचे, अब जाके सुबह 6 बजे भाई पैरों में ना सच में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, लेकिन अब सोने की व्यवस्था नहीं है, सही समझ नहीं आ रहा भाई। ये है सुबह 5 बजे के नज़ारे, देख लो कितना प्यारा लग रहा है ना। बाकी अभी सब भाई यहीं पे सो रहे हैं, मैं तो यहाँ बेंच पे सो रहा हूँ, अभी भाई हम ना वेट कर रहे हैं अपने नंबर आने का, तब जाएंगे अंदर अर्धकुमारी माता के दर्शन करने के लिए। अभी 570 या 80 के आसपास को चल रहा है, अपना है 108 या 109, तब जाएंगे। बाकी इस ब्लॉग को करते हैं लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, ठीक है, सो रहा हूँ भाई तुम्हारा भाई।